हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आ गए हम आज अपने नए वीडियो पे जो है एरन लाइट के बारे में, इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एपॉक्सी एडेसिव जो हम अपने डे टू डे रूटीन में यूज़ करते हैं, चाहे आपका घर बन रहा हो, चाहे आपका पत्थर लग रहा हो, आपकी टाइल्स लग रही हो, आपके सिंक का काम हो रहा हो, वॉश बेसिन का काम हो रहा हो, मतलब किसी भी तरीके की कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, उसका जवाब एक ही है, एरन लाइट बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट है आपके लिए। आप कहीं पे भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो ये एरन लाइट है, एरन लाइट मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, इंडिया के अंदर ही ये प्रोडक्ट बनता है। एंड ये प्रोडक्ट मार्केट करता है, मतलब मार्केट के अंदर पहुंचाता है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, वही मतलब जो भैया हर चीज़ में बेस्ट आ रही है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, वही ये बेस्ट प्रोडक्ट को लेके आती है। एंड इस पर एक चीज़ मेंशन होती है इस वीडियो पे, अगर इस पे आप देखें, इस पे लिखा है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एडहेसिव। ये एक बहुत ही बड़ी लाइन है अगर हम सोच के बोलें कि भैया वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम जहां मैं रहता हूं दिल्ली एनसीआर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एडहेसिव लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये कोई छोटी बात नहीं है, हज़ारों जगह पे ये टेस्ट हो चुकी है, मतलब किसी भी लैब में जाओगे तो भैया इसका सर्टिफाई आपको करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं कि भैया इससे बढ़िया एडहेसिव कोई नहीं है। किसी दुकान पे जाएंगे तो वो बोलेगा भैया जी एरन लाइट यूज़ करो। एंड आपको एरन लाइट कई नामों से मिलती है मार्केट के अंदर, कि भैया आपको अपना आपका कभी कारपेंटर बोलता है, पत्थर लगाने वाला बोलता है भैया एरन लाइट ले आओ, एरन लाइट ले आओ, या बोलते हैं ए लाइट ले आओ। आप का प्रोडक्ट एक ही है अगर हम बात करें तो, वो है एरन लाइट। इसके अलावा आपने कोई भी प्रोडक्ट दूसरा नहीं लेना है किसी भी कंपनी का, कोई भी लोकल मेक के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है। लंबा काम कराना है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम कराना है, तो आपने सिर्फ यूज़ करना है एरन लाइट को। जो ये एरन लाइट आता है ये बनता है दो चीज़ों से, एक ये हमारा लिखा हुआ है इसके ऊपर हार्डनर ये प्रोडक्ट, एंड एक होता है रेजिन। ये दोनों ही मिक्स होके लगते हैं एंड एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेंथ बनाते हैं। चाहे आप इस प्रोडक्ट को कहीं पे भी यूज़ कर रहे हो, मार्बल पे कर रहे हो, ग्रेनाइट पे कर रहे हो, कहीं पत्थर लग रहा हो, टाइल लग रहा हो, या आपने कोई स्टील से रिलेटेड काम करना हो, वहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको धोखा नहीं देगा। एंड बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, किसी भी तरीके का मतलब ये नहीं कह सकते कि कोई हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है आपकी टाइल्स के ऊपर, या कई बार बोलते हैं कि मतलब कोरोजन हो जाती है टाइल्स के ऊपर, या जॉइंट्स में से कुछ निकल आता है, इस तरीके की दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर आप एरन लाइट को बहुत ही सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। एंड यूज़ करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, अगर आप हार्डनर को एंड रेजिन को दोनों को एक साथ इक्वल क्वांटिटी के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो जहाँ पे भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, एरन लाइट को जहाँ पे भी आप यूज़ करेंगे, वहाँ पे आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आप जहाँ पे वो वाली आप चीज़ को यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपने एरन लाइट का सॉल्यूशन अप्लाई किया, वो चीज़ जंग नहीं खाएगी। ये सबसे मेन चीज़ है जो कंपनी भी फोकस करती है। दूसरी चीज़ है स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस फ्री का मतलब ये हुआ कि ठंडा और जैसे गर्म होता है, एक चीज़ पे आपने इसको अप्लाई किया, सर्दियों में एंड गर्मियों में उस चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन बोलते हैं जिसको हम, कि एक चीज़ फूल जाती है और गर्मियों के अंदर वो चीज़ सिकुड़ जाती है, या उल्टा भी हो जाता है प्रोसेस कई बार, तो वहाँ पे भी आपको कोई इसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े वहाँ पे लीकेज की या किसी तरीके की। एंड वो वाली जगह बिल्कुल ही हीट प्रूफ हो जाती है, मतलब वही कि मतलब सॉलिड बन के वो चीज़ आपकी बाहर नहीं निकलेगी एंड आपकी चीज़ का सत्यानाश नहीं होगा। ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है जो हर घर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि डेली रूटीन्स में ये चीज़ हमें यूज़ आती है। जैसे हमारी चप्पल टूट गई, एरन लाइट वहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगी, बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगी। उसके बाद हमारा जो टब होता है, कई बार प्लास्टिक का टब होता है कपड़े डालते हैं जिसके अंदर हम, वो टूट जाता है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इससे चिपक जाता है, थोड़ा सा आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा एंड वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। एंड जैसे कई बार हमें प्रॉब्लम आती है कि ग्लास टूट जाता है, मतलब कोई हमारा फ्लास्क है वो क्रैक हो गया, नीचे गिरा, या एक इतना सा हिस्सा टूट गया बट हमारे पास पूरा का पूरा ग्लास बचा हुआ है, मतलब पूरा पीस हमें मिल गया, सो एरन लाइट से उसको हम चिपका सकते हैं। थोड़ा सा ऑड दिखेगा कि भाई थोड़ा सा ब्लैक 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 दिखेगा, बट आपकी वो वाली चीज़ को आप थोड़ा पीछे कर सकते हैं एंड फ्रंट को आगे कर सकते हैं एंड उस चीज़ का आनंद फिर से ले सकते हैं जैसे आप नया ही लेके आए हों।
इस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं नॉर्मली किसी ग्लास को मेटल पे लगाने के लिए, वहां पे ये प्रोडक्ट आपको धोखा नहीं देगा। बहुत ही जबरदस्त एडहेसिव है, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी कि आप भाई लगा के जाएं, आपने अपनी मेहनत करी, आपने ग्लास को लगाया मेटल के ऊपर एंड वो बाजा बज गया जब आप वापस आए, ऐसा धोखा ये प्रोडक्ट आपको नहीं देगा। आपको स्टोन के ऊपर स्टोन को चिपकाना है, एरेलाइट से अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं है। इस चीज़ को मैं बिल्कुल ठोक बजा के कह सकता हूँ, कंपनी भी ऐसे नहीं लिखती। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एडहेसिव, मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है अगर मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि मतलब कि भाई मैं ऐसी कोई चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एडहेसिव डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है, भैया जी कोई झूठ नहीं है। एक बार ट्राई करो, किसी भी आप कारीगर से पूछोगे एरेलाइट के बारे में, आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो बता देगा कि भैया एरेलाइट से बढ़िया कुछ नहीं है, आपने अच्छा काम करवाना है एरेलाइट ला दो, मैं दूसरा कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगा। एरेलाइट से आप घर में बहुत काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने घर का टूटा एक्वेरियम भी जोड़ सकते हैं, पानी वहाँ से लीक नहीं करेगा जहाँ पे आपने एरेलाइट डाली, बट उसको सूखना है, आपने सूखने देना है ओवरनाइट। आराम से सूखने के बाद आप अगले दिन अगर उसमें पानी डालेंगे तो वो टप 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 करके बाहर नहीं निकलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा इफेक्ट एरेलाइट लगाने के बाद, जो आपको देखने को नहीं मिलता किसी लोकल सिलिकॉन सीलेंट को लगाने पे, जो बोलते हैं कि भैया आप लगा दो इसके ऊपर सस्ता सिलिकॉन है, इसका ये मतलब नहीं है कि भैया काम नहीं करेगा। भैया वो काम नहीं करता, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, आप लोकल मेक में किसी में भी जाओगे वो आपको काम नहीं देगा, क्योंकि एक्वेरियम के लिए मेरे पास कमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम आई है, एक्वेरियम जोड़ने के लिए हम यूज़ करें, एक्वेरियम के लिए करें, आप एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी का ले रहे हैं जो ठोक बजा के बोलती है कि एक्वेरियम आप जोड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आंखें बंद करके आप एरेलाइट प्रोडक्ट को यूज़ करें एंड आनंद लें अपने एक्वेरियम के अंदर मछलियों का। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी अवेलेबल पैकिंग की, तो इसकी अवेलेबल पैकिंग आती है 13 ग्राम की, 13 ग्राम्स की आती है, 36 ग्राम 36 ग्राम्स की आती है, उसके बाद आती है 90 ग्राम्स 90 ग्राम की पैकिंग मिलेगी आपको, उसके बाद आपको मिलती है डायरेक्टली 180 ग्राम की पैकिंग एंड उसके बाद आपको मिलेगी 450 ग्राम की पैकिंग, जो नॉर्मली आपको हर जगह मिल जाती है। जो बल्क पैकिंग आती है 1 किलो 800 ग्राम की पैकिंग आती है, जो नॉर्मली ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होती है एंड उससे बड़ी पैकिंग जो आती है 5-5, 6-6 किलो वाली जो पैकिंग आती है वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होती है। आपको नॉर्मली रिटेल काउंटर्स पे 1 किलो 800 ग्राम तक की पैकिंग मिलेगी एंड वो एक तरीके से सफिशिएंट होती है, कम पड़े तो आप फिर से ले सकते हैं उस चीज़ को, बट इंडस्ट्रियल जो पैकिंग बड़ी पैकिंग होती है वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो आप इसको प्रेफर करें, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो लेबर बताए उस हिसाब से आप उस चीज़ को बाय करें। एंड अगर हम बात करें इसकी रेट की, तो इसका रेट हर जगह पे वेरी करता है, क्योंकि ये मैं पर्सनली देख चुका हूँ, क्योंकि कई बार को मैंने लोगों को बताया तो वो कहते हैं भैया हमें तो आपसे जो आपने रेट बताया उसे 15-20 रुपये ऊपर मिल रही है, कोई कहता है भैया 50 रुपये ऊपर मिल रही है, तो रेट का हम एग्जैक्टली नहीं कर सकते। हम बात करते हैं 13 ग्राम की पैकिंग की, 13 ग्राम की पैकिंग अराउंड 50 रुपये के करीब आती है जो 13 ग्राम की पैकिंग होती है, एंड हम बात करें 1 किलो 800 ग्राम की पैकिंग तो वो अराउंड 1000 के करीब जाती है, 1100 के करीब आपको मिल जाएगी। सो इसके बीच की पैकिंग आप खुद जाएं कुछ खरीदें, जैसे हम इसकी बात करें 180 ग्राम की पैकिंग 365 है, अराउंड 350-340 आपको ये वाला पैक मिल जाएगा आराम से, सो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद।